नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबक्रियर में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। आज हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र में मजदूर किरायेदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अजीत दहिया जी के साथ। आइए चर्चा के दौरान जानते हैं किरायेदारों की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में इन्होंने अब तक क्या और कैसे किया है। अजीत दहिया, आपने अपने संगठन के जरिए अब तक किस तरीके की सुविधाएं दिलाने की कोशिश की है जो उन लोगों के लिए जिनके सर पे छत नहीं है? देखो, हमने बहुत मतलब दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के सामने अपनी बातचीत कर रखते रहे हैं, ज्ञापन देते रहे हैं कि भाई जो किराएदार हैं जो आज से 20-25-30 साल पहले दिल्ली में आए थे, तो उनके लिए एक छत होनी चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी कमाते हो गई, आज तक वो एक अपना मकान नहीं बना पाए, और ना ही मतलब जैसे महीने का किराया होता है। हम चाहते हैं कि जैसे जो किराया वो मकान मालिक को देता है वो अगर सरकार को दे तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा। अब मान लो 50 साल किराए पर रह रहे तो उसका तो किराएदारी कहलाएगा, और उसकी कोई पहचान भी नहीं है कि भाई मान लो किसी रिश्तेदारी को आना पड़े, कभी बाई चांस नंबर गुम हो जाए तो उसको ढूंढ नहीं सकते, बातचीत नहीं हो सकते, क्योंकि कभी इस मकान में कभी उस मकान में। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ना ही मतलब जो किराएदार के बच्चे हैं ना ही उनको शिक्षा अच्छी मिल पाती है, क्योंकि मकान मालिक जो है वो कई बार आनाकानी कर देते हैं, मतलब पहचान पत्र या आधार कार्ड बनाने में, तो उसकी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हम केंद्र और दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई उनको मकान दिए जाए कम से कम किस्तों पे, ताकि उसकी भी खुद की पहचान हो और वो भी अपनी ज़िंदगी का गुजारा अच्छे से कर सके। उसने अपनी ज़िंदगी किराए के मकान में बिता ली, लेकिन बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ तो करके जाए, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है तो अपने बच्चों के लिए अपने से अच्छा कर सके। आज से पहले 6 अक्टूबर 2017 को आपने एक रैली की, वहाँ आपने जो है केजरीवाल सरकार से डिमांड की थी, तो उस मामले में केजरीवाल सरकार ने क्या रुख अपनाया? अभी तक तो 6 अगस्त को जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसके सिर्फ सहानुभूति दी गई कि भाई किराएदारों की संख्या ज़्यादा है तो इनका मन कैसे मुहा जाए, तो उस टाइम पे तो बोला गया था कि भाई किराएदारों की अपनी पार्टी है आम आदमी पार्टी, किराएदारों की पार्टी, किराएदारों ने वोट दिया, लेकिन अब तक एक भी पॉलिसी वो किराएदारों के लिए लेके नहीं आई। और उन्होंने आज से एक साल पहले बोला था कि भाई किराएदारों को सब्सिडी मीटर देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। मकान की मांग में बोला था कि भाई दे, मतलब थोड़ा समय लगेगा, इन पॉलिसी लाएंगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों पर अभी तक कोई काम नहीं कर पाई। और अभी चुनाव नज़दीक है तो हम भरोसा कैसे करें? अभी आप कहाँ से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? क्या कोई ऐसी प्लानिंग है आपकी? अभी दक्षिणी दिल्ली से चुनाव की तैयारी है अपनी। तो जैसे कि आप अभी आपकी नई नई उभरती हुई पार्टी है मजदूर किराएदार विकास पार्टी, तो आपको क्या लगता है कि आप मजदूर किराएदार विकास पार्टी के जरिए आप चुनाव के तय पार कर पाएंगे? तो पार्टी भला नहीं है, लेकिन किराएदार का जो दुख है वो तो पुराना है, और उसी के आधार पे हमने पार्टी बनाई, क्योंकि हम 4-5 साल से किराएदार आंदोलन चला रहे थे, तो उसमें पब्लिक का, किराएदारों का काफ़ी सपोर्ट मिला। उसी के किराएदारों से बातचीत करने के बाद तभी हमने फैसला लिया किराएदारों की अपनी पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक किराएदारों के अपने कोई नहीं होगा सीट पे, तब तक उनका मतलब कोई भी मांग पूरी नहीं होगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे अजीत दहिया जी, मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री। इनके अनुसार इन्होंने जो मिशन बनाया है इसमें गरीब और अमीर को मैं बिना भेदभाव किए ये सब के सर पर छत दिलाने की मुहिम छेड़ रहे हैं। ये जंग कहां तक जारी रहेगी इसका जवाब भविष्य के पर।